करे अर जो ही तेरा दासरा नाम दिया बाकी शोख मारिया तकिया है को तेरा आसरा उठा छड़ जग दिया सारिया करे अर जो ही तेरा दासरा नाम दिया बाकी शोख मारिया जोड़ सच्चे पातशाह तेरे चरना च अरदास है नदर सवली कर देवे जे हुंदे सरकार जिता रास है करके मरा दस पे पूरिया नाम दिया बाकी शुक मारिया हो करे अर जोई तेरा दासरा नाम दिया बाकी शुक मारिया तकिया है को तेरा आसरा ओटा छड जग दिया सारिया
किशो खुमारियां तकिया है को तेरा आसरा ओटा छड जग दिया सारियां तकिया है को तेरा आसरा ओटा छड जग दिया सारियां तकिया है को तेरा आसरा ओटा छड जग दिया सारियां हाजरा हजूर जहरा जहूर सब कला भरपूर रब्बी बाणी के बोहित नाम के जहाज चवर छत्र तख दे मालक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर रोजाना की तरह हाजरी भर रहे गुरु प्यारे खालसा जी गुरभागे जो सतसंगत दी कड़िया का आनंद माण रहे हो। इस तो पहला कि अपनी विचार तुहाडी सेवा दे विच कहणी आरंभ करा, आओ अपना ध्यान गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र बाणी के नाल जोड़न का यतन करिए। कोई भी रसना मांझी ना रह जावे, मन बित के एकागर करन वास्ते सारी संगत अपनी रसना उत्ते दो और वाहिगुरु शब्द लैके आईए ते फतेह ते सिमरन दी सांझ पाईए जी। आखो गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वटभागे हो सारे जो रुझेवे अपनी जिंदगी दे विचों समा कढ़ के सतगुरु दे पावन दरबार के अंदर पहुंचे हो। धर्म की दौड़ दे विचों निकल के धर्म की दुनिया दे नाल जुड़न वास्ते सतगुरु दे पावन दरबार के अंदर पहुंच के हाजरियां भर रहे हो। पदार्थ की दौड़ को छड़ के परमात्मा के दरबार के विच परमात्मा के गुणों को जानने हित सतगुरु के पावन दरबार के विच आए हो ते सतगुरु की पवित्र बाणी नितनेम की बाणी जो रहरास साहब का पाठ आप जी ने सरवण किया है। रहरास साहब का अर्थ है सही रास्ता, क्योंकि यह एक ऐसा समा है संध्या का समा जिन्हों आख्या जाता है। कई बार ऐसे समय बंदा अपने कदमों के नाल गलत रस्ते से तुर पैंदा है, कई बार ऐसे ऐसे समय इन्हें नेत्रां दे नाल गलत तकन वास्ते तैयार हो जाता है, हत्थां दे नाल गलत करन वास्ते तैयार हो जाता है। ते गुरु ने सानू सही रास्ता दिता, रह रास्ता अर्थ है सही रास्ता। और रह रास्ता दा पाठ आप जी ने सरवण किया है जिहदे विच गुरु नानक देव महाराज ने सोधत तो गल आरंभ की ते सौ पुरख तक पहुंचण दी कहानी इहदे विच दसी। गुरु गुरमुख प्यारे पासों रबी बाणी का सरवण पाठ करके अपने जीवन को सफला कर रहे हो ते आओ जो लड़ीवार इतिहास तुहाडी सेवा दे विच गुरु अर्जन देव महाराज के जीवन इतिहास के अलौकिक पन्नियां दे विचार आप कर रहे हैं। उहदे विच एक पन्ना मैं तुहाडी सेवा दे विच कहण दा यतन कर रहा। कल मैं तुहाडी सेवा दे विच सिरक दी सिरण दी कहानी भाई मन जी के जीवन के राही कह रहा सी। गुरु अर्जन देव महाराज की महिमा चात फेरे फैली है जब गुरगद्दी ते विराजमान होए दूर दराडे उन्हां दे चरणां दे विच संगत होगी, पर उन्होंने सब तो ज्यादा विरोधता करता उन्होंने वड्डा भरा पृथ्वी चंद। मैं जिक्र किया कदे अकबर के दरबार के मुकदमा दायर करता है ते अकबर यह नहीं गल कह के पला झाड़ जाता है कि धार्मिक मामला है, जे राजनीतिक होंगे समाजिक होंगे परिवारिक मामला होंगे मैं दखल अंदाजी करा। उन्हें कह दिता मैं ये दखल अंदाजी नहीं करा। गुरु अर्जन देव महाराज ने इस गल का जिक्र बाणी में किया। महाराज कहते महज झूठा कीतो न आप पापी कहो नागा सदा। फिर पृथ्वी चंद गुरु अर्जन देव महाराज के उत्ते हमलावर होने वास्ते तैयार हो जाता है। उहदा एक मित्र है, मित्र का नाम है सुलही खान। और सुलही खान के नाल विचार करता जिहड़ा अकबर का एक अहलकार है उहदा एक सेनापति है उहदे नाल विचार करता है। कहिंदा हक ते मेरा बनदा सी पर मेरे पिता ने मेरे नाल धोखा करके जिहड़ा मेरा हक है ना मेरे छोटे भरा अर्जन देव नूं दे दित्ता ते मैं चाहना अर्जन देव के कोलों हक खोलिया जाए। तो सुलही खान कहता भी मैं तेरी मदद करने वास्ते तैयार हाँ क्योंकि आपस में मित्र सन दोनों। उन्हें फिर अपने भतीजे सुलभी खान की ड्यूटी लाई कि तू जाके गुरु अर्जन देव के कोलों इहदा तख्त लैण दे विच मदद कर। अपनी मदद के नाल जेकर इहदा खुसिया होया हक इहनूं मिल जाएगा तो गल चंगी होगी। सुलभी खान गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे उत्ते चढ़ाई करके आया, दरिया ब्यासा के किनारे ते पहुंचा, अपने एक अहलकार दे नाल कोई झगड़ा होया है, अपने अहलकार दे हथों मारिया गया, गुरु अर्जन देव महाराज तक नहीं पहुंच सकिया। फिर इन्हें सुलही खान की मिन्नत की। सुलही खान करके आया गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे उत्ते चढ़ाई करके आया, अपन फौजा नूं नाल लैके आया ते अमृतसर के नेड़े एक पिंड पैंदा है उहदा नाम है हेरा। कदे पिंड लाहौर दे नाल जुड़िया करदा सी। हेरा पिंड दे विच पृथ्वी चंद व्याहिया होया सी। गुरु अर्जन देव महाराज दा वड्डा भरा पृथ्वी चंद वह हेरा पिंड विच व्याहिया होया सी। ते हेरा पिंड दे विच पृथ्वी चंद दे अपने पट्ठे सन आवे सन। दुपहर का आराम करने वास्ते
सुनी खान दिया फौजें इतने रुकिया ने ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखता है वह कहता अचानक एक सिपाही की बंदूक पिछों गोली चली है। गोली चलन की आवाज के नाल घोड़ा डरिया जिहदे उत्ते यह सवार है सुनी खान ते बलदे हुए आवे विच बलदे हुए पट्ठे विच पै के सने घोड़े सड़ गए। गुरु अर्जन देव महाराज ने इसका भी जिक्र किया है। महाराज कहते सुनी ही ते नारायण राख सुनी का हाथ कहीं ना पहुंचे सुनी हुए मुआ नापाक नापाक का अर्थ है अपवित्र क्योंकि मुसलमान दफनाते ने जरा अग में पै के सड़ जाता उन्होंने नापाक आख्या जाता। गुरु अर्जन देव महाराज कहते मुसलमान सुनी खान नापाक होकर सड़ गया साढ़े तक भी नहीं पहुंच सकिया। फिर पृथ्वी तंत्र ने होर बड़िया चाला चलिया अनेक चालों के नाल गुरु अर्जन देव महाराज को नीवा दिखाना चाहता है ते फिर उन्हें प्रचार करना आरंभ दिता असल गुरु मैं हाँ अर्जन देव गुरु ने। इस सिंह छिपर ने लिखा है वह कहिंदा मरने की पग पृथ्वी बड़ी कहिंदे जिहड़े गुरु अर्जन देव महाराज की पिता जान के एक पग सी वह जिहड़ी पृथ्वी चंद नूं बन्नी गई पर गुरगद्दी दी गुरु अर्जन देव महाराज को हुण लोकां विच प्रचार करता है अर्जन देव की ड्यूटी लंगर दी है असल विच गुरगद्दी गुरु रामदास सच्चे पातशाह मैनूं दे के गए हुण इहदे प्रचार ने बहुत असर ना कीता ते जिहड़ा पापी हुंदा ना उस बंदे नूं पाप करन दे विच स्वाद आउंदा जिवें चोर बंदे नूं चोरी करन दे विच स्वाद आउंदा है उह जिन्ना चिर चोरी नहीं कर लवेगा उन्ना चिर उहदे मन की पूर्ति नहीं होवेगी मन नूं चैन नहीं आवेगा क्योंकि उन्होंने उसे काम के रस आना शुरू हो जाता जिहो जिहा काम कोई करता है। महाराज कहिंदे पाप का अंत बड़ा बुरा होया करता है पर पापी बंदे नूं पाप करना चंगा लगता है। हजूर की बाणी का वचन है महाराज कहिंदे पाप बुरा पापी को प्यारा पाप का अंत बड़ा बुरा है पर पापी बंदे नूं पाप करना चंगा लगता जालम बंदे नूं जुल्म करना चंगा लगता है दुराचारी बंदे नूं दुराचार कमाना चंगा लगता है। इस तरह महाराज कहिंदे पापी बंदे नूं पाप करना चंगा लगता ते जिस बंदे ने नीत धारनी हो पाप करन दी ओ कद रुकदा है। यह गुरु अर्जन देव महाराज का सब तो वड्डा विरोधी उन्होंने अपने घर में उन्होंने वड्डा भरा पृथ्वी चंद इत्थे तक उतर आउंदा है पहाड़े ते गुंडे लैंदा है ते गुरु अर्जन देव महाराज के घर के उत्ते हमला कर दिंदा। गुरु अर्जन देव महाराज के घर के उत्ते हमला करदा है जो कुछ इहनूं मिलदा है यह लुट के लै जांदा है। जिन्ना कु धन मिलिया वह लुट के लै गया जिन्ना अन्न मिलिया वह लुट के लै गया जिन्ने बस्तर बर्तन मिले सब कुछ लुट के लै गया। कहिंदे ने गुरु अर्जन देव महाराज को उस रात फिर जमीन उत्ते लेटना पिया और रात गुरु अर्जन देव महाराज को भुखिया लेटना पिया ते माता गंगा जी ने देखा गुरु अर्जन देव महाराज जमीन उत्ते लेटे ने ते अज भुखे पै गए। मां गंगा गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में खलोती है ते मां गंगा की अखां जिहड़ियां पानी के कतरे नाल भरिया हुई पानी नाल भरिया हुई अखां गुरु अर्जन देव महाराज टकते ने ते गुरु अर्जन देव महाराज कह के गंगा की होया अज क्यों रो रही है ते गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में खलोती हुई मां गंगा कह लगी सतगुरु अज पहली बार टक रही हाँ इन्ने वरिया दे विच तुसी भुखे सुते हो कदे जिहड़ी पति वरता औरत है वह कदे पति का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुण मां गंगा कह लगी महाराज पृथ्वी तन सब कुछ लुट के लै गया तुहाडा भरा सब कुछ लुट के लै गया अन्न धन वस्त्र बर्तन जो कुछ सी घर दे विच लुट के लै गया ते गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे गंगा घबराउणी की क्यों है बेशक वह अन्न लै गया धन लै गया वस्त्र बर्तन लै गया जो कुछ उहदे हाथ आया लुट के लै गया पर मेरे हिरदे विचों परमेश्वर की याद नहीं लुट सकिया। महाराज की बाणी का वचन गुरु अर्जन साहब कहिंदे ने रूखो भोजन ऊ सैन सखी संग सूख प्यार यो या सब कुछ लुट के लै गया पर मेरे हिरदे विचों पति परमात्मा की याद नहीं लुट सकिया क्योंकि परमेश्वर के नाम नूं कोई चुरा नहीं सकता। गुरु अर्जन देव महाराज का बाणी विच वचन है महाराज कहते माणक मोती नाम प्रभ उन लगे ना ही सन उन्हें कोई नहीं चुरा सकता जेडे परमात्मा के नाम के माणक मोती है जेडे परमात्मा के नाम के हीरे जवाहरात है उन्हें कोई नहीं चुरा सकता। पृथ्वी चंद ने बहुत सारिया चाला चलिया जिथे अमृतसर का पुतली घर है उत्थे फिर दो सिखा ने नाका लाया क्योंकि जो सब कुछ लुट के लै गया लंगर मस्ताना हो गया आई हुई संगत के कोलों भेटा खो लेंदा है कहिंदा मेरे अगे मत्था टेको अर्जन देव की ड्यूटी लंगर दी है ऐसिया चाला चलता है। ते फिर बीबी भानी गुरु अर्जन देव महाराज की जन्मदाती सबर की मूर्त
राजा की मूर्त उन्हें फिर दो सिखा की चोण की पहुंचे भाई गुरदास जी के को क्योंकि भाई गुरदास रिश्तेदारी के बीबी भानी के भरा लगते हैं बीबी भानी के चाचे के पुत्र ने धन गुरु अर्जन देव महाराज के मामा जी लगते हैं गुरु भाई साहब भाई गुरदास जी उन्होंने कोची नाल चोण की बाबे बुढ़े ने बाबा बुढ़ा महान सिख है आने वाले दिनों में आप उन्होंने जीवन जरूर विचारा हूँ धन बाबा बुढ़ा जी और भाई साहब भाई गुरदास जी दोहां सिखा के कोल पहुंचीए कहिंदे ओ गुरु के सिखो तुहाडे उत्ते गुरु की महान कृपा है पर देखो पृथ्वी चंद की कारवाइया कर रहा है की कुछ करन उत्ते तुल गया कह लगे दसो की होया कहिंदे पृथ्वी चंद सब कुछ लुट के लै गया लंगर हो गया मस्ताना फिर दोहां सिखा ने हाथ विच लईआं ने डांगा जिथे अमृतसर का पुतली घर है उत्थे आ के फिर नाका लगा दिता नाका लगा के आने वाली संगत को कहते हैं सात संगत जिन्हें भेटा चढ़ाई है वह भी गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में भेटा अर्पण करे जिन्हें लंगर छकना वह भी गुरु अर्जन देव महाराज के कोल जावे जिन्हें असीसा प्राप्त करनिया ने वह गुरु अर्जन देव महाराज के बचन सरण करे क्योंकि गुरु रामदास महाराज गुरगद्दी देके गए ने गुरु अर्जन देव महाराज को पृथ्वी झूठा प्रचार करता है दोहां सिखां उत्ते विश्वास बनाए संगत को दोनों सिखों के कहे हुए बचन मन के ते संगत उन्होंने गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में चुपन लग पी भाई गुरदास जी ने कुछ पौड़ियां भी लिखिया इस से पता है जब उन्होंने पृथ्वी चंद की जड़ी सच्चाई है दुनिया के सामने पेश की एक बड़ी कमाल की पौड़ी है और एको पंक्ति मैं थोड़ी सेवा के रखा बहुत सारे प्रमाण दिते ने भाई साहब ने भाई साहब ने आख्या रले जो संगत मीणिया उठ चले निराशा पृथ्वी चंद मीणा आख्या कह लगे जरा पृथ्वी चंद की संगत में जाएगा उन्होंने निराशा का सामना करना पवेगा हम पृथ्वी चंद ने देखा सारे दरवाजे हो गए बंद होर कोई दरवाजा मेरे को नहीं पृथ्वी चंद एक पुत्र है पुत्र का नाम है मेहरबान कुछ विद्वानों ने मनोहर दास भी लिखे और पृथ्वी चंद अपने पुत्र कोल बुला है क्योंकि कवि बड़ा चंगा है कविता बड़ी चंगी लिख लेंदा है कविता लिखना हर बंदे दे बस की बात नहीं गुरु रहमत करे तो फिर कविता लिखी जाती है तुकबंदी हर बंदा कर लेंदा है हुण गुरु अर्जन देव महाराज का भतीजा है धन गुरु अर्जन देव महाराज के विरुद्ध उन्होंने उकसाउण लगा उहदा बाप उन्हां दा भरा कह के पुत्रा तेरे ते एक मेहर है परमात्मा ने की तू कविता बड़ी चंगी लिखदा है बड़ी पाएदार बड़ी वजनदार कविता तू लिखदा है नाप तौल दे विच पूरी लिखदा है जेकर आपां इस कविता तों कम लैणा आरंभ कर दईए कह लगे दसो कि तू इस तरीके के शब्द लिख जिस तरीके के शब्द गुरु नानक साहब ने लिखे ने जिस तरीके के शब्द गुरु अंगद साहब महाराज ने लिखे ने जिस तरीके के शब्द गुरु अमरदास महाराज ने लिखे ने जिस तरीके के शब्द गुरु रामदास रच गए ने उस तरीके की बाणी रच उहदे विच नानक नाम भी आवे फिर पृथ्वी चंद ने अपनी कार्रवाई पृथ्वी चंद के पुत्र मेहरबान ने अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਮ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜਦ ਕਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਖੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰਦੀ ਦਾਸ ਵਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਵਾਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਥੀਏ ਕਾ ਕਵੀ ਸਹੀ ਕਰੇ ਹਿੰਦਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਡੂਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਗਾਵਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਬਣਾਵਣ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀਏ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀਏ ਅਸਲੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀਏ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੱਗਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਰੀ ਕਰਤਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਲ ਕੇ ਆਖਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦੇਵੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਖੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਖੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਵਰਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਝੁਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਹਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੇ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਚੜ ਪੜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੁਝੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਾ। ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਸਮ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਖੀਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਥੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ,
गुरु अंगद देव महाराज ने भी बाणी उच्चारण की ओदा भी एक वखरा चैप्टर। फिर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने बाणी उच्चारण की ते ओ जिहड़ी बाणी दी पोथियां दा असल दे विच सिलसिलेवार चलदियां गुरु अमरदास महाराज तक पहुंच गईआं। गुरु अमरदास महाराज तक बाणी दी पोथियां पहुंचियां ने उंज बहुते विद्वान इस गल नूं प्रवान भी नहीं करदे जिहड़ी गल मैं तुहाडी सेवा दे विच कहण लगा। तां गुरु अमरदास सच्चे पातशाह तक पोथियां पहुंचियां ने ते जदों गुरु अमरदास सच्चे पातशाह शरीर दा चोला त्यागण लगे ने उस समय महाराज ने गुरगद्दी भाई जेठे नूं गुरु रामदास महाराज बना के बिठा दिता गुरगद्दी ते। गुरगद्दी ते बिठाया ते सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहिंदे वी अज तों जिहने भी झुकणा है गुरु रामदास महाराज के चरणां ते झुकणा। सारी संगत दे वास्ते सारे परिवार वास्ते हुक्म होया पर महाराज के पुत्र जिहड़े विरोधी हो गए बाबा मोहन ते बाबा मोहरी विरोधी हो गए। कहण लगे असीं घर दे दमाद दे कदमां ते झुकीए घर दे सेवक दे कदमां ते झुकीए। धन गुरु अमरदास महाराज कहणगे हुण सेवक नहीं रहा है ते पातशाह बन गया। समझाया महाराज ने मोहरी ते झुक गया। महाराज ने बाणी विच आख्या बाबा सुंदर जी कहिंदे मोहरी पुत सरमुख होया रामदास से पैरी पाए जी पर मोहन ना मन्निया मोहन अपनी अड़ी उत्ते अड़िया रहा। ते ओह जिहड़ियां बाणी दियां पोथियां इतिहास कहिंदा पहलियां सन ओह वी बाबा मोहन जी दे कोल सन। ओह अपने चबारे विच जा बैठे कदे गोइंदवाल साहिब दी धरती ते जाओ उत्थे गुरद्वारा चौबारा साहिब बणिया है। समा स्थान सानू इस गल की गवाही देता भी उत्थे कदे बाबा मोहन ने भगती की इबादत की बंदगी की। गुरु अर्जन देव महाराज के सामने जदों यह गल रखी गई कि बाणी दीआं पोथियां नूं एक जगह करके कोई ग्रंथ तैयार कर लिया जाए ताकि आने वाले समय के पृथ्वी चंद वर्गे ऐसिया चालां ना चल सकन आने वाले समय में भुलेखा ना दुनिया के सामने कोई रह जाए तुहाडे होंदिआं आ हाल है आने वाले समय में की होवे। ते गुरु अर्जन देव महाराज का एकदम ध्यान जिहड़ा टकराया है बाबा मोहन दे नाल। मन विच ख्याल आया सब कुछ सही बात है बाणी का एक ग्रंथ तैयार कर लेना चाहिए है ते बाणी का ग्रंथ तैयार करके उहदे विच सारी की सारी बाणी दर्ज कर लेनी चाहिए। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज के मन विच ख्याल है भी बाणी दीआं कुछ पोथियां मेरे मामे मोहन पास है बाबा मोहन जी पास ने क्यों ना वह पोथियां भी मंगवा लिया जाण। धन गुरु अर्जन देव महाराज ने फिर सिख बुलाया बाबा बुढ़ा। बाबा बुढ़ा वह सिख है जिहदे मुकाबले का इतिहास में सानू होर कोई सिख नहीं मिलता। बहुत वड्डा करनी नामा है बाबा बुढ़ा जी का। जेकर बाबा बुढ़ा जी का करनी नामा विचारन लग जाइए तो बड़ा समय लग जाए। 12 साल की उम्र सी जब गुरु नानक देव महाराज के नाल मिलाप होया बाबा बुढ़ा जी का। 12 साल की उम्र के धन गुरु नानक देव महाराज पहली उदासी से गए ने मां गौरा के उदर तो जन्म लैण वाला भाई सुखे रंधावे के घर में जन्म लैण वाला यह लाल 12 वरियां की उम्र के डंगर चार रहा। उन्हें डंगर जिस जगह पर चार रहा है उत्थे धन गुरु नानक देव महाराज ते भाई मरदाना जी ने आसन लगाया। धन गुरु नानक देव महाराज कह के मरदानिया रबाब शेर काई खुदा की सिफत गा लीए उस रब के रंगा में रंग जाइए। गुरु नानक देव महाराज के हुक्म के नाल भाई मरदाने ने रबाब छेड़ीए बहुत वड्डा संगीतकार सी भाई मरदाना। 19 रागों में गुरु नानक साहब की बाणी है 19 रागों में भाई साहब भाई मरदाना जी रबाब वजाया करते सन। ऐसी सुरत ते शब्द का गुरु अते सेवक का मिलाप हो चुका सी। गुरु नानक कहिंदे सन मरदानिया रबाब छेड़ जिस राग में गुरु नानक ने शब्द गाउणा हुंदा सी ते भाई मरदाना पहला ही उह राग छेड़िया करता सी। धन गुरु नानक देव महाराज कहणगे मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है रबाब छिड़िए गुरु नानक देव महाराज के मधुर कंठ तो परमात्मा के बोल निकले ने खसम के बोल निकले ने जिहदे नाल कायक नाम झूम उठी। यह 12 साल का बच्चा सुन के शब्द नूं गुरु नानक देव महाराज के कदमों में आ बैठा सामने बैठा रहा कीर्तन सुनिया है कीर्तन सुन के महाराज के कदमों से सिर झुकाया तो चला गया कोई वचन नहीं किया इतिहास कहता है। जदों कोई वचन नहीं किया घर गया है घर जाके मां नूं कहिंदा मां कोई महापुरख आए ने बाहर क्यों ना उन्होंने प्रशादा छकाइए बड़े चंगे लगे ने उन्होंने वचन बड़े चंगे लगे ने मन नूं कोई धूप आउंदे ने। कहण लगी पुत बड़ी चंगी गल है मां ने प्रशादा तैयार कर दिता ते जिस जगह ते गुरु नानक देव महाराज बैठे ने ना उस जगह ते लाया बाबा बुढ़ा उस जगह ते प्रशादा लिया के गुरु नानक देव महाराज के सामने रखिया ते कहिंदा लो बाबा जी प्रशादा छक लो।
महाराज ने भी कोई बर्तन नहीं किया, प्रशादा छकया भाई मरदाना जी ने, ते गुरु नानक देव महाराज ने बर्तन खाली हो गए ने, ते खाली बर्तन उस बच्चे के हाथ में दिते ने, खाली बर्तन उस बच्चे के हाथ में दे के धन गुरु नानक देव महाराज कह के लै बेटा आ खाली बर्तन। वह खाली बर्तन फड़दा ने, ते खाली बर्तन फड़ के 12 वरिया का यह बच्चा जिहदा नाम मां बाप ने बूढ़ा रखिया सी, कहता बाबा जी एक सवाल है मेरे मन में, उस सवाल का जवाब मैनू तुहाडे कोलों चाहिए। महाराज कह के दस बेटा कि सवाल है, कहता महाराज मेरी एक गल तो समझ में आ गई है भी भोजन छकन के नाल तन की भुख दूर हो जाती है, पर यह गल नहीं समझ में आई भी मन की भुख किवें दूर होंदी है, क्योंकि सारी उम्र बंदे के मन की भुख नहीं जी मिटती। जिस दिन मन की भुख मिट गई उस दिन महाराज कहते बंदा राजा बन जाता है, तो राजा उन्ना चिर नहीं बनता जिन्ना चिर संतोख नहीं होता, बिना संतोख नहीं को राजा। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कह के बेटा तेनों एक गल जानने की क्यों जरूरत पै गई, तू तो बच्चा नहीं। कहते महाराज एक गल हो, कहते कह रही, कहते भी दसो बंदा मौत के डर तो किवें मुक्त हो जाए, बंदा जीवन मुक्त किवें हो जाए। महाराज कह के तेरा नाम की है? कहिंदा